हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। यहाँ पर हम देखने वाले हैं 10.8 इंटेक्स क्वेश्चन, और अगर इसके पहले के इंटेक्स क्वेश्चन, उसके बाद के इंटेक्स क्वेश्चन और भी दूसरे चैप्टर्स के, आप क्लास 12 के इंटेक्स क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वीडियोज़ की जो प्ले लिस्ट है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, हमें इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया, ये दिया हुआ गया है कि हमें यहाँ पे बताना है कि जो भी हमें कंपाउंड दिए गए हैं कौन से कंपाउंड SN1 रिएक्शन को फास्टली देंगे। तो देखिए, SN1 रिएक्शन को समझने से पहले यहाँ पर रीज़न बताना है हमें, सबसे मेन चीज़। नहीं तो अगर रीज़न नहीं बताना होता तो बहुत इजी वे में बता देता आपको कि कोई से भी दो कंपाउंड दिए गए हैं तो कौन सा कंपाउंड फास्टली SN1 रिएक्शन को देगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रीज़न क्या देना है, कार्बोकेटाइन। जैसे कि सपोज यहाँ पर ए और बी दो दिए गए हैं, अब इसमें से जो है इसके जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात होगी। ठीक है, ये रीजन है। जैसे कि सपोज ए वाला जो है ये SN1 रिएक्शन को दे रहा है, अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ कुछ ना लिखें, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये इसका आप रीजन दे सकते हैं। ठीक, वो उतना ज़रूरी नहीं है रीज़न। ठीक है, हमें यहाँ पे ज़रूरी क्या, हमें कैसे पता करें कि जो हमें दो कंपाउंड दिए गए हैं उसमें से कौन सा हमारा SN1 रिएक्शन को फास्ट देगा। हम देखते हैं बुक में, सबसे पहले दिया गया इस तरीके से, और यहाँ पे क्या लगा, Cl, और दूसरा क्या दिया गया इस तरीके से Cl। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे C होगा, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा क्या है, 3 डिग्री। ये आपको पता है 3 डिग्री कैसे, बीच में कार्बन है, यहाँ पे R R डैश R डबल डैश लगा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज से आप पता कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है 3 डिग्री, और ये हमारा क्या है 2 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको भी पता कर सकते हैं कि ये 2 डिग्री, अब ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो SN1 रिएक्शन होती है उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्ट रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जिससे आप समझ सकते हैं, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, ये टर्शरी जो होते हैं, टर्शरी हैलाइड को फास्टेस्ट क्या देता है, ये SN1 रिएक्शन देता है, सेकेंडरी और लास्ट में प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी को SN1 सबसे स्लो देता है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये बिल्कुल उल्टा होता है किसके, SN2 के उल्टा होता है। अब देखिए यहाँ पर 3 डिग्री, इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये जल्दी, यानी कि ये सबसे फास्टली SN1 रिएक्शन को देगा, ये हमारा आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की, बहुत इजी सी तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं अगर आपको पता है कि कंपाउंड जो दिया गया है वो कौन सा डिग्री का यहाँ पर कंपाउंड है। क्या बात कर रहे हैं सेकंड की, तो 1 2 3 4 5 6 हमें इस तरीके से पहला दिया गया, दूसरा दिया गया 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में Cl। अब यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि कौन सा हमारा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ठीक है, ये आपको पता ही है। अब जब ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है, तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा कि ये जो हमारा ये SN1 रिएक्शन को ज़्यादा फास्ट देगा इस कंपेरिजन टू इसके। तो इस तरीके से आप कोई सा भी क्वेश्चन आए आपको एग्जाम में, ठीक है, तो आप वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। बस एक चीज आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसके लिए, SN1 के लिए, और SN2 की भी आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से कर पाएं दोनों के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आई होप आप ये वीडियो समझ में आएंगे, इंटेक्स क्वेश्चन इस वीडियो कहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे और ऐसे ही एक और अच्छी सी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।